हमारा उद्देश्य केवल आपकी सहायता करना है, किंतु इसमें आपको षड्यंत्र की गंध आ रही तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे उस अपमान के पीछे छिपा हुआ वेश मंत्रीवर अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए उन्हें अपने पराये की बहुत समझ है। यदि दुर्गेश्वरी पर हमला करने में तुमने तनिक भी देरी कर दी तो वो डाकू परमवीर सिंह को समाप्त भी कर सकती है। नहीं ज्वाला, रूपनगर की धरती पर तुम दोनों भाइयों के पापों का बोझ बढ़ चुका है। अब तुम्हारा स्थान इस धरती पर नहीं, नरक में है। किंतु आज जो तुमने मायाजाल बिछाकर हमें मुक्त किया है, इसके हम आभारी हैं निशाचरी। आज प्रसन्नता के मौके पर मत रूठो ज्वाला, हम तो एक दासी के बारे में कह रहे थे, तुम्हारा स्थान तो अधिक उच्च है। किंतु आज रूपनगर के महल में खुशियां फिर से लौटने वाली हैं और हमारे शत्रुओं की छाती पर सांप लौटने वाले हैं। महामहिम, कसम हो गया। क्या कह रहे हो तुम? ये असंभव है। असंभव को मंत्रीवर ने संभव कर दिया है। महामहिम, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको असत्य सूचना दे ही नहीं सकता हूं। यदि तुम सत्य कह रहे हो तो हमारी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। आज सांझ ढलते ही हम जाकर दुर्गेश्वरी से ये कहने वाले थे कि मंत्रीवर उस पर आक्रमण करने वाले हैं। अब तो मंत्रीवर कहीं हम पर आक्रमण ना करें। परमवीर सिंह के लौट आने से मंत्रीवर की शक्ति फिर से लौट आई है। महाराज, तुम सदैव लड़ाई लड़ने से पहले हार मान लेते हो। यदि तुम इसी तरह घबराते रहे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। कभी कभी तो हमें लगता है कि तुम्हारे साथ रहते रहते हम भी डरपोक हो गए हैं। हमारे होते हुए तुम निडर रहो। अब हमें यह विस्तार से बताओ कि परमवीर सिंह को मुक्त कैसे किया गया? क्या मंत्रीवर ने अपने कक्ष में बैठे बैठे ऐसा कौन सा चमत्कार किया जो दुर्गेश्वरी ने पूजा के थाली में सजाकर परमवीर को वापस लौटा दिया? मेरे गुप्तचरों से मुझे केवल परमवीर सिंह की मुक्ति का ही समाचार मिला है। इसके आगे मैं बस इतना ही बता सकता हूं कि अभी घड़ी दो घड़ी पहले ही मंत्रीवर महल से अपने भाई को लेने के लिए निकले थे। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि दोनों भाइयों का मिलन हो गया होगा। मिलन ही नहीं, अपितु वो दोनों महल में सकुशल लौटने वाले भी होंगे। महामहिम, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, उन दोनों भाइयों के मिलन को देखकर मेरे सीने पर सांप लौटने लगे हैं। नागराज, तुम स्वयं विषैले नाग हो, तुम पर कोई विष असर नहीं कर सकता। घबराओ मत और ये बताओ कि दुर्गेश्वरी जैसी हठी औरत ने परमवीर सिंह को कैसे छोड़ दिया? महामहिम, मुझे तो लगता है परमवीर सिंह ने दुर्गेश्वरी से अपनी कलाई पर राखी बंधवा ली होगी, इसलिए उसने छोटा भाई समझकर परमवीर सिंह को मुक्त कर दिया। अरे बंद करो ये मूर्ता भरी बातें। अचानक अपने शत्रु को दुर्गेश्वरी भाई कैसे बना सकती है? तुम्हारे मन में ऐसे मूर्ता भरे विचार आया कैसे? महामहिम, आज रक्षाबंधन है और वो आज ही वापस लौट कर आ रहा है, इसलिए मुझे लगा कि बस नागराज बस। अब तुम तुम्हारी बुद्धि लड़ाना छोड़ दो और हमारे आने वाले पूरे समय के बारे में सोचना आरंभ कर दो। मंत्री वो अब हमें घमंड तो दिखाएंगे ही और पद पद पर हमें नीचा दिखाने का प्रयत्न भी करेंगे। हम मंत्री पद पर होते हुए भी अपमानित होते रहते हैं और वो अपने रिक्त हाथों से हमारे गालों पर तमाचा मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। महामहिम, अब मेरे अपमान सहने की शक्ति समाप्त हो चुकी है, अब मैं और नहीं सह सकता हूं, और नहीं सह सकता मैं। अब अगर हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया ना तो हम दोनों का कद इस महल में, वो दोनों बोने हैं ना, उनसे भी छोटा हो जाएगा। नागराज, हम मंत्रीवर से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस समय मंत्रीवर के पास कोई राजपद नहीं है, किंतु इसके पश्चात वो शक्ति में हमसे दुगने हैं। दिखावे के लिए हमें उनका मन जीतना होगा और जब हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा तो सदा की तरह हम उनके पीठ में खंजर पकड़ेंगे। आपने सत्य कहा महामहिम, एकदम सत्य कहा। मंत्रीवर शक्तिशाली तो है परंतु उसके साथ साथ वो भोले भी बहुत हैं। यदि सहानुभूति की खुट्टी उन्हें पिला दी जाए तो वो पिघलकर मोम भी हो सकते हैं। मंत्रीवर, महामहिम, अब हमारे पास
हमारे पास मित्रता का ढोंग करने का 100 अवसर और भी है। हम उनका मन जीतकर उन्हें वापस अपनी ओर झुका सकते हैं। बस देखते जाइए, अब ये नागराज नहीं, नागराज के अंदर छिपा हुआ विष बोलेगा। आइए कुंवर, आइए। आपको यूं महल में इतने दिनों के बाद देखकर हमारी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं है। इससे भी अधिक प्रसन्नता तुम्हें तब होगी जब हम उस शत्रु का शीश उड़ा देंगे जिसने परमवीर सिंह को बंधक बनाया था। चलो हमारे कक्ष में चलते हैं, आगे की रणनीति हम वहीं बनाएंगे। आदरणीय परमवीर की जय हो, जय हो। आज महामहिम की भक्ति ने फल दे दिया। सत्य है मंत्रीवर, सत्य है। जो सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी है। अब ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है नागराज, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किंतु तुम्हारा मुख देखकर हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे विषैले नाक के विषदंत उखाड़ लिए गए हो। मंत्रीवर, आप मुझे कितना भी धूत समझ लीजिए, परंतु महामहिम की अब और अग्नि परीक्षा मत लीजिए। अग्नि परीक्षा? कैसी अग्नि परीक्षा? हाँ मंत्रीवर, अग्नि परीक्षा। मंत्रीवर, मैंने स्वयं सारी रात जागकर देखा है, महामहिम ने कुंवर परमवीर की सकुशल वापसी के लिए कितनी कड़ी तपस्या की थी, कितनी कड़ी तपस्या। राजवीर सिंह ने हमारे छोटे भाई के लिए तपस्या की, किंतु ये कैसे हो सकता है? मंत्रीवर, ये चमत्कार स्वयं मैंने सारी रात जाकर देखा है। महामहिम ने काली पहाड़ी की चोटी पर मां भवानी के मंदिर में कड़ाके की सर्दी में एक पैर पर खड़े होकर सारी रात अखंड पूजा की है। मंत्रीवर, अखंड पूजा। महामहिम सारी रात मां भवानी से प्रार्थना करते रहे कि यदि दुर्गेश्वरी ने कुंवर परमवीर सिंह को सकुशल वापस नहीं किया तो वो सुबह सुबह स्वयं से अपनी गर्दन काटकर मां भवानी के चरणों में चढ़ा देंगे। हमें प्रसन्नता है कि आप दोनों ने हमारा हित सोचा, किंतु अब हमारे पद से हट जाइए और हमें हमारे कक्ष में जाकर विश्राम करने दीजिए। कुंवर, आपके विश्राम का साजो सामान तैयार है। महल के सबसे सुरक्षित और विशाल कक्ष को फूलों से सजाया गया है। रूपनगर की सास सुंदरियां तथा नृत्य में निपुण नृत्यांगनाएं शाम ढलने के पश्चात आपका मनोरंजन करेंगी। राजवीर सिंह, क्या नागराज जो कह रहा है वो सत्य है? कहा तो सत्य है, किंतु यदि ये सत्य आपके सामने उजागर नहीं होता तो मुझे प्रसन्नता होती। यदि मुझे पता होता कि नागराज ने मुझे मंदिर में पूजा अर्चना करते देखा है तो मैं इसका मुख बंद कर देता। सत्य को कब तक छिपाया जा सकता है महामहिम? एक ना एक दिन तो सत्य को सामने आना ही है। अब मैंने बता दिया तो आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हम मंत्रीवर की प्रशंसा पाने के भूखे नहीं है। आदरणीय परमवीर सुरक्षित वापस आए, यही हमारे लिए संतोष की बात है। राजवीर सिंह, तुम जन्म से बुरे नहीं हो, किंतु लालच ने तुम्हें शत्रुओं के पाले में भेज दिया था। यदि तुम हमारा छीना हुआ पद नहीं स्वीकारते तो हम तुम्हें अपने से दूर कदापि नहीं करते और हम तुम्हारे साथ मिलकर आसमान की ऊंचाइयों को छूते। मंत्रीवर, बीता हुआ समय हमारे लिए बुरा स्वप्न है। हमारी समझ ने हमारा साथ छोड़ दिया था और हमारे नक्षत्र भी हमारा साथ नहीं दे रहे थे, किंतु अब समय अनुकूल है। विश्वास कीजिए मंत्रीवर, आपके छोड़े हुए सिंहासन पर हमने बैठना भी त्याग दिया है और अभी हम सत्य को कहने से कतराइए मत महामहिम। मंत्रीवर को बताइए कि आपने उनकी जूतियों को आदर के साथ सिंहासन पर रख दिया है
हमारी जूतियों को सिंहासन पर रख दिया। किंतु क्यों, जिस सिंहासन पर बैठकर हम कभी शासन चलाया करते थे, तुमने उस पर हमारी जूतियां रख दी। मंत्री वर, जिस तरह भरत जी ने भगवान राम के वनवास जाते समय उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का राजपाट चलाया था, ठीक उसी तरह महामहिम भी कर रहे हैं। उनके हृदय में आपके लिए बहुत आदर भाव है, जैसा भरत जी के मन में भगवान राम के लिए था। बस आपसे कहते हुए न जाते हैं। मंत्रीवर, आप मुझे जो चाहे दंड दे दीजिए, किंतु महामहिम को स्वयं से दूर मत कीजिए। वो बीते समय में आपके दाहिने हाथ थे, उनको उनका गौरव वापस लौटा दीजिए। ठीक है, यदि तुम दोनों अपनी भूलों को स्वीकारते हो तो हम भी पुरानी बातें भूलकर तुम दोनों को क्षमा करते हैं। देखा महामहिम, देखा मैंने अंतिम अवसर का कितना लाभ उठाया। मेरे झूठे नाटक को सत्य समझकर मंत्री वर ने हमें अपने शत्रु से मित्र बना लिया। किंतु हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक मंत्री वर और उनके भाई परमवीर सिंह से शत्रुता निभाते रहेंगे। भाई जी, आपको राजवीर और नागराज की बातों में नहीं आना चाहिए था। वो दोनों महाकपटी और स्वार्थी है, क्या आप ये नहीं जानते? हम सब जानते हैं परमवीर, किंतु यदि हम उन्हें माफ नहीं करते तो उनके मन में हमारे लिए पनप रही स्वामी भक्ति की भावना भी मर जाती। स्वामी भक्ति की भावना? भाई जी, आप कौन सी स्वामी भक्ति की बात कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम राजवीर और नागराज के बारे में कह रहे हैं। हमारे प्रति उन दोनों के हृदय में स्वामी भक्ति के अंकुर फिर से फूटने लगे हैं, और फिर जब उन्होंने अपनी भूलों के लिए पश्चाताप कर ही लिया है तो हमने उन्हें माफ कर दिया। आपने उन दोनों कपटियों को माफ तो कर दिया भाई जी, किंतु वो आपको उन दोनों में बहुत परिवर्तन आ चुका है। यदि वो हमारा बुरा चाहते तो तुम्हारे लिए सारी रात इतनी कठिन प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना नहीं भाई जी, वो दोनों आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी झूठी खुशामदी कर रहे थे। आपके सीधेपन का लाभ उठाकर भीतर ही भीतर आपको दीमक की तरह चाट जाना चाहते हैं, इसलिए उन पर विश्वास करना घातक हो सकता है। दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मत भूलिए कि इससे पहले भी आप अपनी जीभ जला चुके हैं। परमवीर, इस बार यदि किसी ने हमारे साथ छल कपट करने का प्रयत्न भी किया तो हम इसे जीवित ही जला देंगे। और रही बात नागराज की, तो उसके विषदंत हम पहले ही निकाल चुके हैं। यदि इस बार उन्होंने हमें डसने का प्रयत्न किया तो वो अपना मुंह तुड़वाने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। उन दोनों की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो, और तुम उस कलावती की चिंता करो जो हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी? आखिर एक तुच्छ सी अनाथ दासी रणवीर सिंह और परमवीर सिंह जैसे तूफानों का मुकाबला क्या करेगी? आखिर एक चींटी में हाथी से लड़ने का साहस कहां से आ गया? उस नन्ही सी चींटी ने हमारे गाल पर अपमान का वो थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज से हमारे कानों में अभी भी पीड़ा हो रही है। जिस रणवीर सिंह के सामने बड़े बड़े योद्धा मां योद्धा नेत्र मिलाने से घबराते हैं, उसे वो नेत्र दिखा गई। हम उस कलावती के नेत्र निकालकर अपने चरणों तरे मसल देंगे। उस चीटी के इतने लंबे पर निकल आएंगे, ऐसा तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हम अभी और इसी समय जाकर उसे कष्टों से भरी इतनी यातना देंगे कि वो हमारे चरणों में गिड़गिड़ाकर मृत्यु की भिक्षा मांगेगी। परमवीर, तुमने क्रोध में आकर उस कलावती को मारने का निर्णय तो ले लिया, किंतु इससे होने वाले विपरीत परिणाम के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। विपरीत परिणाम? भला एक तुच्छ दासी की मृत्यु का क्या विपरीत परिणाम होगा? रक्त से भरे कुंड में कलावती के रक्त के कुछ बूंदे मिल जाए तो इससे क्या अंतर हो जाएगा? नहीं परमवीर, यदि इस समय तुमने कलावती का वध कर दिया तो महल में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। हो जाने दो, परंतु जिसने हमारे भाई को पीड़ा पहुंचाई है हम उसे कभी जीवित नहीं छोड़ेंगे। किंतु ये प्रयत्न कलावती ने नहीं किया, कदाचित महल के किसी शत्रु ने उस कलावती की पीठ पर कमान रखकर ये तीर चलाया है। महल के किसी शत्रु ने तीर चलाया है? परंतु क्यों? वो शत्रु क्यों कायरों की तरह छुपकर वार कर रहा है, सामने क्यों नहीं आता? परमवीर, यदि वो अपने हाथों से अपने सामने गिरा हुआ पर्दा उठा देगा तो उसकी पोल खुल जाएगी,
जो मनुष्य हमारे मित्र होने का ढोंग कर रहा था और जो महाराज से प्रार्थना कर रहा था कि हमें हमारा खोया हुआ पद लौटा दिया जाए, किंतु वो एक क्षण भी हमें इस महल में नहीं देखना चाहता। वो कलावती को आगे करके हमें बर्बाद करने का स्वप्न देख रहा है। उस महामंत्री वीरेंद्र सिंह का स्वप्न कभी पूर्ण न होगा भाई जी। जिन नेत्रों से उसने स्वप्न देखने का साहस किया है, हम उन नेत्र को सदैव सदैव के लिए बंद कर देंगे। श्रद्धांजलि की तैयारी शुरू कर दीजिए, हम उस महामंत्री की बलि चढ़ाने जा रहे हैं। ठहरो परमवीर, अभी महामंत्री की मृत्यु का मुहूर्त नहीं आया है, अभी उसके जीवन की कुछ काली रातें शेष हैं। सही समय आ जाने दो। महल की चौखट पर पड़ी राजनीति के षड्यंत्रों के पिसाद को एक बार फिर से सीधे हो जाने दो। फिर देखना, हम उस महामंत्री को ऐसी मौत मारेंगे कि यमराज का भी कलेजा उसके मुख में आ जाएगा। किंतु सर्वप्रथम हमारी योजना कलावती को फिर से अपने वश में करने की है, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का इस्तेमाल करके। हमें एक बार फिर कलावती को विवश कर देना है कि वो महल में जब भी मुख खोले तो हमारी प्रशंसा के लिए ही खोले। ये कोई कठिन कार्य नहीं है कुंवर, पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि यदि उस उड़ती चिड़िया को पिंजरे में डालना है तो दाना तनिक प्रेम से डालना होगा। कलावती जी, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। परंतु तुम किस प्रसन्नता में महल में मिठाई बांटते फिर रहे हो नागराज? क्या तुम्हारा विवाह होने जा रहा है या तुम्हारी पदोन्नति हो गई है? नहीं नहीं कलावती जी, इससे भी बड़ा कार्य संपन्न हो गया है। यदि आप सुनेंगी तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगी। तुम बताते क्यों नहीं? आज पहली बार तुम्हें महल में मिठाई बांटते हुए देखा है, इसीलिए हम ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर महल में ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतने प्रसन्नचित होकर सबको मिठाई बांटते फिर रहे हो। बताता हूँ, सब विस्तार से बताता हूँ। पहले मुंह तो मीठा कीजिए। पूर्व मंत्री वर ने मुझे विशेष रूप से आपको मिठाई देने के लिए कहा है। पूर्व मंत्री वर ने विशेष रूप से हमें मिठाई देने के लिए कहा है? परंतु क्यों आज अचानक रणवीर सिंह को हमारी याद कैसे आ गई? इतनी कड़वी बातें सुनाने के पश्चात उन्हें हमारा मुंह मीठा करने का विचार कैसे आया? लगता है इसमें पूर्व मंत्रीवर का कोई स्वार्थ छिपा है। ये तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि जब मंत्रीवर ने अपने भाई परमवीर सिंह की स्वतंत्रता का शुभ समाचार सुना तो उन्होंने सर्वप्रथम मुझे आपका मुंह मीठा करने के लिए कहा। ये कैसे हो सकता है? डाकू दुर्गेश्वरी के चंगुल से परमवीर सिंह कैसे स्वतंत्र हो सकता है? कहीं नागराज हमें मूर्ख बनाने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा? क्या हुआ कलावती जी, किस सोच में पड़ गए आप? क्या यह समाचार सुनकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई? प्रसन्नता तो बहुत हुई है नागराज, किंतु ये समझ में नहीं आया कि डाकू दुर्गेश्वरी ने परमवीर को स्वतंत्र कैसे कर दिया। ना कोई युद्ध, ना कोई आक्रमण, बिना लड़ाई किए ही डाकू दुर्गेश्वरी ने अपना पराजय कैसे स्वीकार कर लिया? अब ये तो मंत्रीवर ही जाने कलावती जी। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि जब मंत्रीवर को अपने भाई की मुक्ति का समाचार मिला तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि जाओ नागराज और जाकर कलावती का मुख लड्डुओं से भर दो। कलावती जी, अब आप मुंह मीठा कर लीजिए, अन्यथा मंत्रीवर मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। मिठाई को हम उसी वक्त हाथ लगाएंगे जब हम अपने नेत्रों से परमवीर सिंह को महल में देखेंगे। अब तुम जा सकते हो नागराज। जैसी आपकी इच्छा कलावती जी, किंतु सदा स्मरण रहे कि परमवीर सिंह की मुक्ति के शुभ अवसर पर आपको प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नता ही व्यक्त करनी है। अन्यथा फिर कभी यदि मंत्रीवर को उनका पद वापस मिल गया ना, तो आपका इस महल से बाहर जाना निश्चित। चलता अवश्य रणवीर सिंह ने कोई ऊंची चाल चली है। पता नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया जो डाकू दुर्गेश्वरी ने बिना किसी का रक्त बहाए ही परमवीर सिंह को मुक्त कर दिया। अब हमें आज्ञा दीजिए भाई जी, हम वापस जंगल जाकर उस दुर्गेश्वरी का शीश काट के आपके चरणों में अर्पित कर देना चाहते हैं जिसने हमें बंधक बनाने का साहस किया था। नहीं परमवीर,
इस बार हम किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अकेले वापस जंगल नहीं जाने देंगे। परंतु क्यों भाई जी, क्या आपको आपके भाई के बल पर भरोसा नहीं था? एक बार, सिर्फ एक बार दुर्भाग्य से दुर्गेश्वरी ने हमें बंधक क्या बना लिया, आप तो हमें निर्बल समझने लगे। हमें तुम्हारी शौर्य और वीरता पर पूरा भरोसा है परमवीर, किंतु इस बार हम तुम्हें वापस अकेला भेजकर किसी भी संकट को आमंत्रण नहीं देना चाहते। परमवीर सिंह का दूसरा नाम ही संकट है। आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए भाई जी, और हमें उस दुर्गेश्वरी का शीश काट कर लाने की अनुमति दे दीजिए। दुर्गेश्वरी को इतना निर्बल समझने की भूल मत करो परमवीर। इस समय दुर्गेश्वरी किसी चोट खाई हुई नागिन की भांति तुम्हें फिर से बंदी बनाने के लिए तड़प रही होगी, इसीलिए हम तुम्हारे साथ अपने सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद सेवक लोहा सिंह को भेजेंगे, ताकि हम तुम्हारी सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो सके। भाई जी, ये कहकर आपने हमारे भुजाओं के बल को शक्तिहीन कर दिया है, ये हमारा अपमान है। जो परमवीर सिंह यमराज से भी नहीं घबराता, आप उसे एक स्त्री डाकू से भी निर्बल समझ रहे हैं। नहीं परमवीर, तुम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा हो, किंतु इस बार हम तुम्हें जंगल अकेला भेजकर कोई नया संकट नहीं चाहते। दुर्गेश्वरी एक बार चोट खाने के पश्चात तुम पर छुपकर आक्रमण कर सकती है। रूपनगर के महल में हम पर कोई भी शत्रु भारी नहीं पड़ सकता, किंतु रूपनगर के जंगलों में सिर्फ दुर्गेश्वरी का राज चलता है, इसीलिए उस नागिन का फन कुचलने के लिए हमें बल के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होगा। मंत्रीवर प्रणाम, क्या सेवक भीतर आ सकता है? आओ नागराज। किंतु ये मिठाई किस उपलक्ष में लाए हो? आदरणीय परमवीर सिंह के स्वतंत्र होने के उपलक्ष में महामहिम राजवीर सिंह ने ये प्रसाद भेजा है। उन्होंने तो सारे राज्य में मिठाई भी बंटवाई है। क्या राजवीर सिंह ने सारे महल में मिठाई बंटवाई है? मिठाई के साथ साथ उन्होंने रूपनगर की प्रजा को बहुमूल्य वस्त्र भी दान किए हैं, और अब शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप करने की तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि आदरणीय परमवीर सिंह पर मृत्यु की छाया भी न मंडरा सके। राजवीर सिंह के हृदय में परमवीर के लिए इतना स्नेह है, इसका तो हमें अनुमान ही नहीं था। हमारी तरफ से राजवीर सिंह को धन्यवाद दे देना। अवश्य दे दूंगा। मंत्रीवर, महामहिम ने यह भी पूछने के लिए कहा है कि यदि आपका आदेश हो तो क्या हम दुर्गेश्वरी पर आक्रमण करने की तैयारी प्रारंभ कर दें? अभी नहीं, समय आने पर हम आदेश दे देंगे। अभी हम कुछ समय शांत रहना चाहते हैं, ताकि दुर्गेश्वरी को इस बारे में तनिक भी भनक ना लगे कि हम उसे समाप्त करना चाहते हैं। आप जैसा चाहेंगे मंत्रीवर, हम वैसा ही करेंगे। लीजिए, वो मीठा कीजिए। ये लीजिए। अब इस सेवक को अनुमति दीजिए, अभी निर्धनों और लाचारों को भी दान देने के लिए जाना है। प्रणाम मंत्रीवर। देखा परमवीर, राजवीर और नागराज में कितना परिवर्तन आ गया है। जिन्हें हम अपना शत्रु समझते थे, आज वो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक बन गए हैं। आप कुछ भी सोचिए भाई जी, पर पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों हमारे हितैषी होने का ठोंग कर रहे हैं। देखना, कभी ना कभी ये दोनों बिच्छू आपके पैर पर डंक अवश्य मारेंगे। यदि ये हमारे पैर पर डंक मारेंगे तो हम इन्हें अपने पैरों तले ही कुचल देंगे। परमवीर, अभी तुम सिर्फ विजेंद्र प्रताप सिंह के बारे में सोचो, क्योंकि वो अभी भी हमारी पकड़ से बहुत दूर है। यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम अभी जंगल में जाकर शीघ्र विजेंद्र प्रताप सिंह को पकड़ कर ला सकते हैं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है परमवीर, किंतु डाकू दुर्गेश्वरी और उसका गुरु तुम्हें जंगलों में पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे। इस तूफान को तनिक शांत हो जाने दो, फिर हम विजेंद्र प्रताप को पकड़ने की अनुमति तुम्हें स्वयं देंगे। मठ से बाहर आते ही आज भाग्य साथ दे रहा है, मनुष्य के दर्शन हो गए, परंतु साधु के वेश में ये कौन सा व्यक्ति है? इसे तत्काल अपने वश में करना होगा। हो, हो!
हमारी जादुई शक्तियां इस पर प्रभाव क्यों नहीं डाल रही हैं? अवश्य ही ये कोई हमसे भी बड़ा जादूगर है, देखना पड़ेगा। आचार्य देवधर बाबा, आप जादूगर विचित्र सिंह? तुम? प्रणाम। परंतु आप इस मायावी जंगल में क्या कर रहे हैं? यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। दुष्ट मनुष्य, तुम्हें देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नहीं सुधरे हो। वर्षों पहले जादुई विद्या सीखने के पश्चात तुमने हमारे राज्य में जो उत्पात मचाया था उसके एवज में तुम्हें देश निकाला का दंड दिया गया था, और अब जंगल में आकर तुमने जादूगर से तांत्रिक का आवरण ओढ़ लिया है। तांत्रिक का ढोंग रचाकर तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? बाबा, बस यूं समझ लीजिए कि देश निकाला मिलने के पश्चात रूपनगर के इस मायावी जंगल को ही हमने अपना घर बना लिया है, और अब ये मायावी जंगल हमें बहुत रास आ रहा है। परंतु आप बताइए, आप इस मायावी जंगल में क्यों भटक रहे हैं? हाँ, यदि हमारी सहायता की कोई आवश्यकता हो तो आदेश कीजिए, हम उपस्थित हैं। नहीं, हमें तुम जैसा लालची और दुष्ट इंसान की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो यहाँ अलकापुरी के महारानी या पद्मावती के पुत्र को खोजने यहाँ तक चले आए थे। रानी पद्मावती का पुत्र वनराज तो हमें नहीं मिला, अभी तो तुम जैसा दुष्ट इंसान हमें मिल गया। बाबा बाबा बाबा, आप इतना क्रोधित मत होइए, ये दुष्ट ही आपकी सहायता करेगा। कहीं आप उस रानी पद्मावती की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसे अलकापुरी के महाराजा ने अपने महल से निकाल दिया था? महारानी पद्मावती निकाली नहीं गई थी, परंतु वो स्वयं राज्य छोड़कर चली गई थी। क्या तुम जानते हो कि उनका पुत्र कहाँ है? तुमने कभी उन्हें देखा है? नहीं बाबा, अभी तक तो वो हमें कहीं मिला नहीं है। यदि हमें कहीं मिल गया तो आपका संदेश उस तक हम अवश्य पहुंचा देंगे। नहीं, हमारा संदेश उसे पहुंचाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि तुम किसी की भलाई नहीं कर सकते। हाँ, यदि वो तुम्हें कहीं मिल गया तो उसे कभी मत बताना कि हम उसे जंगल में ढूंढने आए थे, नहीं तो वो अपने उद्देश्य से भटक सकता है। उद्देश्य? बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि वनराज का उद्देश्य क्या है? ये जानने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना बता देना चाहते हैं कि वनराज की अनुपस्थिति में उसकी मां बहुत दुखी और अकेली हो गई है। हम तो केवल वनराज की मां को सांत्वना देने के लिए वनराज को ढूंढने यहां तक आ गए, परंतु स्मरण रहे, यदि तुम्हारी कभी वनराज के साथ भेंट हो जाए तो उस पर अपनी जादुई विद्या का प्रयोग करने का प्रयत्न कभी मत करना, अन्यथा हानि तुम्हें उठानी पड़ सकती है, क्योंकि वनराज कोई साधारण मनुष्य नहीं है। पता नहीं ये देवधर बाबा इस मायावी जंगल में कहां से आ गया। यदि इसने हमारा भेद कहीं खोल दिया तो अपने राज्य की तरह इस मायावी जंगल को भी छोड़कर हमें कहीं अन्यत्र भागना होगा, कहीं और शरण लेनी पड़ेगी। नहीं, हमें किसी भी तरह अपने तांत्रिक होने का भ्रम बनाए रखना होगा। दूर दूर तक ना नाग दिखाई दे रहे और ना ही नागिन, ना जाने ये दोनों कहां विलुप्त हो गए हैं। हमने बहुत समय नष्ट कर दिया, यदि उस समय हम साहस कर उनके सामने आ जाते तो अवश्य कोई परिणाम निकल जाता। पता नहीं अब हमें कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। Thank you.
आज अभी गलत चला प्रवाह पादुक स्थले चलेव लंबे लंबिताम यंग तुम मालिका दमक 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 दमन निराज वर्तमान चकार चंड चांडवम तनु तुरक शिव शिवम ओ रिंग रिंग पत नमः अखोदी भैरवनाथ जय महाकाल सावित्री नागिन आज एक बार फिर तूने महान तांत्रिक भैरवनाथ की तंत्र साधना में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है। तू और तेरा परिवार अभी तक जीवित है ये जानकर हमें बहुत ही गहरा आघात लगा है। हम समझ नहीं पाते हैं कि नाग योनि की कष्टदायक पीड़ा से तू और तेरा धर्मपति शिवा नाग योनि की कष्टदायक पीड़ा सहकर भी उस पीड़ा से मुक्त होना क्यों नहीं चाहते हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि हम वर्षों से इस कष्टदायक योनि से मुक्ति पाना चाहते हैं, परंतु तुम हमें मुक्ति नहीं करना चाहते। मैं तेरी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तू मुझे और मेरे पति को इस दर्दनाक सर्प योनि से मुक्त कर डाल। आखिर मैंने और मेरे पति ने ऐसा किया ही क्या है जिस वजह से तूने हमें एक मनुष्य से एक सर्प बना दिया। तूने नहीं, परंतु तेरे पति ने उस समय से हमें अपमानित किया है जब वो एक मनुष्य था। वो हमारी तंत्र साधना में विघ्न डाल रहा था, वो हमारे ही राज्य में हमको तंत्र साधना के प्रयोग से, काली विद्या के प्रयोग से रोकने के प्रयत्न कर रहा था, और इसी कारण मैंने उसे और तुझे सर्प योनि का श्राप देकर अपने क्रोध को शांत किया है। अब तुम इस योनि से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकोगे। इतना अहंकारी मत बन भैरवनाथ, तू तो ये अच्छी तरह से जानता है जब महापंडित रावण का ये अहंकार नहीं रहा था फिर तू क्या चीज है। तू शक्तिशाली तब तक है जब तक ये काली शक्तियाँ तेरे साथ है। जिस दिन इन काली शक्तियों का साथ छूटेगा तेरी दुर्गति बड़ी मृत्यु होगी भैरवनाथ। मृत्यु? जय महाकाल। मूर्ख नागिन, महान तांत्रिक भैरवनाथ मृत्यु से नहीं घबराता है बल्कि मृत्यु भैरवनाथ से घबराती है। जानती है क्यों? क्योंकि हमने काल भैरव साधना करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मात्र एक लक्ष्य शेष रह गया है, एक लक्ष्य, और जैसे ही हम उस गुप्त लक्ष्य को प्राप्त करेंगे वैसे ही तुम्हें सर्प योनि से मुक्ति दे देंगे, और संभव है तो हम तुम्हें जीवन से ही मुक्त कर देंगे। दुष्ट भैरवनाथ, तो बता वो तेरा गुप्त लक्ष्य क्या है। तेरे उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये नागिन अपनी जान तक निछावर कर देगी, परंतु बदले में अपने पति के प्राण अवश्य बचाएगी। बता क्या चाहता है तू। भैरवनाथ जो चाहता है उसे भटकती हुई आत्माएं और प्रेत योनि के सदस्य भी जानते हैं। मनुष्य या तुच्छ जीव जंतु हमारे मन का रहस्य नहीं जान सकते। निर्बल नागिन, तूने इस निर्बल स्त्री को बहुत सताया भैरवनाथ, अब मैं तुझे सताऊंगी, पर एक स्त्री के रूप में नहीं, एक नागिन के रूप में। एक नागिन बनकर मैं तुझे बहुत कष्ट दूंगी भैरवनाथ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं तब तक शांत नहीं रहूंगी जब तक तू समाप्त नहीं हो जाता, और रूपनगर में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को मैं डसकर समाप्त कर दूंगी, समझे भैरवनाथ। और इस सब का पाप चढ़ेगा तुझ पर, सिर्फ तुझ पर भैरवनाथ, क्योंकि मुझे सर्प योनि देने वाला सिर्फ तू है, सिर्फ तू। जय महाकाल। यदि तू अपना विष उगल कर मनुष्यों को मारना आरंभ कर देती है तो हम शक्तिशाली से महाशक्तिशाली बनते चले जाएंगे,
याद रखना सावित्री नागिन, याद रखना अघोरी भैरवनाथ के समक्ष की हुई अपनी इस प्रतिज्ञा को, याद रखना, भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी भैरवनाथ, कभी नहीं भूलूंगी, किंतु तू भी याद रखना, तेरी मृत्यु होगी तो सिर्फ मेरे हाथों, मैं और मेरा पूरा परिवार तेरा काल बन चुका है भैरवनाथ। जय महाकाल। देखा जाएगा सावित्री नागिन, देखा जाएगा जब तक तेरा निर्बल कुनबा हमारा महान तांत्रिक अघोरी भैरवनाथ का काल बनने का स्वप्न देखेगा, तब तक, हाँ तब तक हम इतने सिद्ध हो चुके होंगे, इतने शक्तिशाली हो चुके होंगे, इतने महाबली हो चुके होंगे कि स्वयं काल भैरव भी हमारे समक्ष टिक नहीं पाएंगे। तेरी तो विश्वास ही क्या है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। भैरवनाथ, चाहे तू तंत्र साधना में कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों न बन गया हो, किंतु काल भैरव से हमेशा छोटा ही रहेगा। जिस देवता की पूजा करके तू अखोरी बना है, अब वही देवता तेरा संहार करेंगे भैरवनाथ। कितना भयानक दृश्य था, अब हमें नागिन से मिलकर इस समय वो भाग्य क्रोधित लगती है। यदि उसने हमें देख लिया तो सारा का सारा विषम पर बदल गया। सावित्री, क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? सावित्री, तुम क्रोधित क्यों दिखाई दे रही, क्या हुआ? मेरे क्रोध का कारण है अघोरी भैरवनाथ। यदि मेरा बस चलता तो मैं अपना सारा विष उगलकर उस दुष्ट अघोरी को समाप्त कर देती, जिसने हमें ये सर्प योनि में जीवन जीने को विवश कर दिया है। सावित्री, इसका तात्पर्य ये है कि तुम उस दुष्ट अघोरी से मिलकर आ रही हो। उस दुष्ट ने तुम्हें अपना अहंकार दिखाया ही होगा, और वो तुम्हें मिला कहां? मैं स्वयं उसके मायावी मत पर गई थी। तुम उसके मायावी मठ पर गई थी, ये जानते हुए भी कि उसने हमें तिल तिल करके जिंदगी जीने पर विवश कर दिया है, तुम वहां अकेली गई थी, क्यों? क्यों? मैं सर प्योरि से मुक्ति पाने के लिए उसके पास गई थी, उससे विनती करने गई थी, किंतु उस दुष्ट अघोरी ने मेरी विनती ठुकरा दी। सावित्री, तुम उस पाखंडी से अच्छाई की आशा कैसे कर सकती हो, ये जानते हुए भी कि वो मानव शवों पर बैठकर तंत्र साधना करता है, वो मानव की सेवा कैसे कर सकता है? सावित्री, अब मुझसे बिना पूछे कभी भी उसके मायावी मठ पे मत जाना, अन्यथा वो हमें तकलीफ में डाल देगा, और वैसे भी उस पाखंडी के सामने याचना करने का कोई लाभ नहीं है। चिंता मत करो शिव, अब तक तुम्हारी सावित्री स्त्री के रूप में उस दुष्ट अघोरी से याचना कर रही थी, किंतु अब मेरे अंदर उस दुष्ट तांत्रिक के लिए घृणा का इतना विष भर गया है कि मेरे अंदर की नागिन जाग उठी है। मैंने प्रतिज्ञा ली है, जब तक मैं उस दुष्ट तांत्रिक को समाप्त नहीं कर देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सावित्री, अपने क्रोध को शांत करो और शांत मन से सोचो, अघोरी भैरवनाथ कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, वो संसार का सर्वश्रेष्ठ तंत्र साधक है। सदैव अकेला दिखने वाला अघोरी भैरवनाथ कभी भी अकेला नहीं रहता है, उसके चारों ओर अदृश्य आत्माओं का घेरा रहता है। यदि तुमने अपने विष से उसे मारने की कोशिश भी की ना,
तब भी उस पर कोई असर नहीं होगा। जानती हूँ, किंतु वह तांत्रिक कब तक इन काली शक्तियों का सहारा लेता रहेगा? एक न एक दिन उसके पाप का घड़ा अवश्य फूटेगा। और वैसे भी वो तांत्रिक मुझे बता चुका है कि यदि हमने मनुष्यों को समाप्त किया तो उसकी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी, वो महाशक्तिशाली हो जाएगा। अब चाहे वो तांत्रिक कितनी भी शक्तियां क्यों ना बटोर ले, किंतु उसको समाप्त किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। नहीं सावित्री, हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हमारे शत्रु की शक्ति बढ़ जाए। तो मैं क्या करूं, क्योंकि हमें सारा जीवन यूं ही एक नाग नागिन के रूप में व्यतीत करना होगा। ऐसे जीवन से तो मृत्यु भली है। सावित्री, अनिष्ट बातें मत करो, ईश्वर अवश्य हमारा साथ देंगे। सावित्री, मैंने जंगल में एक महर्षि को देखा था, मैं उन्हें खोजकर अपना दुख बताऊंगा और वो अवश्य हमारा साथ देंगे। सावित्री, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखो। ये नाग नागिन भी हमारी तरह संकट में फंसे हैं। इस जंगल में कौन से ऐसे महर्षि हैं जिनके पास ये नाग सहायता मांगने लगे?